So students, let's start with this topic, hydrosphere. Fine. In previous lecture, I have explained the detailed information, what topics we are going to study in this chapter. Fine. So students, first is about the hydrosphere, the mean of hydrosphere. Hydrosphere means water. Containing bodies, oceans we have discussed, the fresh water, saline water, जिसके बारे में हमने already क्या कर लिया था, discuss कर लिया था. Now, next is the ये देखिए यहाँ पे आपके बुक में एक डायग्राम भी दे रखा है, इसको हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको हम सर्किल चाहे साइकिल है जो उसे वाटर साइकिल के नाम से भी हम जानते हैं. तीन थ्री प्रोसेस वर देयर, इवेपोरेशंस, कंडेंसेशंस, प्रेसिपिटेशंस एंड द कलेक्शन. फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ द हाइड्रोस्फीयर में यहाँ पे हमने इसे टू पार्ट में डिवाइड किया है. फ्रेश वाटर इंक्लूडिंग रिवर, ग्लेशियर्स, लेक एंड ग्राउंड वाटर. फाइन, नेक्स्ट इज़ द सलाइन वाटर. यहाँ पर देखिए सलाइन वाटर में ओशियन एंड सीज बॉडीज आ जाएंगी सारी. फाइव ओशियंस वर देयर इन द वर्ल्ड. पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक और सदर्न ओशियन, एंड लास्ट एंड स्मॉलेस्ट ओशियन इज आर्कटिक ओशियन. नाउ दीज ओशियंस हैव सम मूवमेंट. इन सभी ओशियंस में, वाटर बॉडीज में कुछ मूवमेंट्स होता है, विच इज़ नोन एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट, जिसके बारे में हम अभी चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करें. सो स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक इज दैट फ्रेश एंड सलाइन वाटर. इन दिस टू टॉपिक्स आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी द कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेश एंड सलाइन वाटर. क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम टेबल को एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे. अकॉर्डिंग टू योर बुक द ओशियन बॉडीज इज अ कितना वाटर है सलाइन 97.3, यानी कि सिर्फ हम अगर इसमें से माइनस करते तो 2.8 वाटर इज ओनली सलाइन वाटर. आइस कैप 0.02%, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स, आइलैंड्स एंड सीज एंड द सॉल्ट लेक इज 0.009% इज इंक्लूडिंग द फ्रेश वाटर. यहाँ देखिए ये सारा जो कंपोजिशन है वो किसका है, फ्रेश वाटर का यहाँ पर, ठीक है. और ये जो कंपोजिशन है इट इज़ द सलाइन वाटर विच इज़ नॉट यूजेबल फॉर अस. यानी अगर हम यूँ कहें कि द ड्रिंकेबल वाटर और जो हमारे यूज़ का वाटर है वो बहुत ही कम है. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर विद द टॉपिक इज एटमोसफियर. इसको ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स. टेम्परेचर, फाइन द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर. The temperature of the ocean water, which is the heated by the sun, varies from place one place to another. यानी कि एक जगह जो टेम्परेचर होता है वाटर्स का वो सब जगह सेम नहीं होता है. वो सब जगह उसकी हीट जो है वो सन की हीट अलग अलग होती है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट. अब सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर द टेम्परेचर, द winds, tides and waves. यहाँ पे तीन टर्म्स आए हैं, देखिए winds, tides and waves. Mix the surface layer of the ocean water with the deeper layer. अब यहाँ पर जो winds जिसको हम हवा कहते हैं, tide जिसको हम जो waves होती है लहरें, और tides होती है जो बहुत बड़ी लहरें होती है उसको tides कहते हैं. इसका mix surface होता है oceans पर deeper layer, यानी कि जब समुद्र की गहराई की बात आती है तो इसमें हम जो ये तीनों ही तरह के मूवमेंट होते हैं हमारे ओशियंस में. द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर वेराइज फ्रॉम द लैटिट्यूड, देयरफॉर ट्रॉपिकल लैटिट्यूड विच रिसीव द वर्टिकल रेज ऑफ द सन एंड द वार्मेस्ट ओशियन वाटर. ओशियन टेम्परेचर डिक्रीज स्टेडली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल. अब यहाँ पे फिर से बात ये इक्वेटर से पोल, ये हमने पहले भी आपको बताया था, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. देखिए यहाँ पर जो है ये हमारी ग्लोब होता है, यहाँ पर होता है इक्वेटर, ठीक है, और ये होते हैं पोल एरिया. फाइन, दीज आर द पोल एरिया. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आते हैं, क्योंकि अर्थ की शेप क्या है, गोल है, जियोइड है, तो जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है.
ठीक है, उसी का फ़र्क इस पर ओशन वाटर पर भी पड़ता है. नॉर्मल डिक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स इज अपसेट बाय द ओशियन करंट विच ट्रांसफर वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ द वाटर फ्रॉम द लेटीट्यूड टू अनादर. अब जो इक्वेटर से पोल पर ये जो ओशियन करंट्स होते हैं, ओशियन से जो वाटर से जो फोर्स जनरेट होती है, उससे वास्ट क्वान्टिटी में जो वाटर है वो एक लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड तक जाता है. द टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर also decrease with the depth. अब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, वाटर के जो टेम्परेचर है वो कैसा होता जाता है, डिक्रीज. द सन्स रेज वार्म एंड सरफेस वाटर मोर देन डीपर वाटर. जो सन की रेज होती है वो वार्म होती है, जो ऊपर का वाटर होता है और डीपर वाटर है, दोनों के ही टेम्परेचर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. ओके, सो देयर इज जियो कंटेंट यहाँ पर कनेक्ट है, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इसको ध्यान से देखेंगे. द ओशियनोग्राफर इज़ अ साइंटिस्ट हु स्टडी द ओशियन. यहाँ पे क्वेश्चन बना है आपका, जो ओशियंस की स्टडीज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, ओशियनोग्राफर. यहाँ पर देखिए एक इमेज दे रखी है. द सिल्विया एरले इज द फेमस अमेरिकन ओशियनोग्राफर हु वॉज नेम द फर्स्ट हीरो ऑफ द प्लेनेट. जिसे क्या नाम दिया गया, हीरो ऑफ द प्लेनेट बाय टाइम मैगजीन फॉर द एफर्ट्स टुवर्ड द मैरीन लाइफ प्रोटेक्शन. मैरीन लाइफ होती है जो भी एनिमल्स वाटर सीज बॉडीज के अंदर रहते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत काफ़ी कुछ एफर्ट्स किए, इनको कहा गया हीरो ऑफ द प्लेनेट्स. फाइन स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर. सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर, कि किस तरह से ओशियन वाटर का जो है मूवमेंट होता है. ध्यान रखेंगे अपनी बुक के अकॉर्डिंग, ओशियन वाटर इज द डायनेमिक एंड द मूव्स कंटिन्यूसली. जो ओशियन का वाटर है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करता है. एंड इधर अ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल वे, वेव्स टाइड्स करंट्स आर द मेजर मूवमेंट ऑफ द ओशियन. यहाँ पे देखिए थ्री मूवमेंट हैं, है ना, थ्री मूवमेंट हैं किसके, ओशियन वाटर के. इसको याद रखना है, सबसे पहला है वेव्स, उसके बाद है टाइड्स और तीसरा है करंट. ये याद रखने, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है, ये आपको पता भी होना चाहिए. अब यहाँ पर दीज मूवमेंट्स आर कॉज बाय द सेवरल फैक्टर्स. कई सारे मूवमेंट होते हैं, इन तीनों की जो मूवमेंट है वो किस किस रीज़न से होते हैं. फर्स्ट इज देयर इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द ओशियन वाटर, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ की डेंसिटी जो वाटर की है, वहाँ पर वाटर कितनी मात्रा में. दूसरा है वेरिएशन ऑफ द सैलिनिटी, सैलिनिटी होती खारापन की, कितना वेरिएशन है सैलिनिटी में. थर्ड इज़ द एफर्ट्स ऑफ द प्रिवलिंग्स विंड्स, जो प्रिवलिंग्स विंड होती है जो थ्रू आउट द ईयर बहती है, उसको हम विंड के बारे में पहले भी कर चुके हैं, वो कितना है. नेक्स्ट इज वेव्स, फाइन, नेक्स्ट इज वेव्स. सो वेव्स होती है लहरें, सबसे पहला मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं वेव्स, उसके बाद हम टाइड और करंट के बारे में करेंगे. वेव्स इज अ रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन सी वाटर ड्यू टू द एक्शन ऑफ द विंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. द शेप एंड साइज ऑफ वेव्स एंड डिपेंड्स ऑन द स्प्रेड ऑफ विंड्स एंड द वेदर कंडीशन, कि वहाँ की वेव्स कितनी होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, कि वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी है. फाइन, नेक्स्ट इज द स्टडी फिगर 15.3. अब हमको यहाँ पर स्टडी करना है 15.3, ये रहा आपका डायग्राम, इसको ध्यान से देखेंगे आप सभी. अब वेव 15. एक बार इसको हम दोबारा से देखते हैं. हाँ, इस द पार्ट ऑफ द अपर पार्ट, अब यहाँ पर देखिए ये अपर पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, वेव्स, ठीक है. नेक्स्ट इज अपर पार्ट ऑफ वेव्स इज कॉल्ड द क्रस्ट वाइल द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द कॉल्ड अ थ्रो. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस एंड थ्रो इज कॉल्ड द वेव हाइट, की वेव की हाइट कितनी है. देखिए यहाँ पर ये हाइट के बारे में बात हो रही है ना, ये हाइट के बारे में. दिस हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज कॉल्ड द वेव लेंथ, जिससे हमको पता चलती है वेव लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ, की उसकी लेंथ कितनी थी. द साइज ऑफ वेव्स
अपॉन द स्पीड ऑफ द विंड. अब उस वेव की साइज़ क्या होगी ये किस पर डिपेंड करेगा कि विंड्स की स्पीड क्या थी, हवा कितनी तेज़ थी. स्ट्रॉमी विंड्स, जो स्ट्रॉमी विंड होती है जिससे आंधी वगैरह आती है, जिसमें बहुत फोर्स होता है, मे गिव राइज टू यूज वेव्स. अगर ऐसा होती है जो विंड्स बहुत स्ट्रॉमी होती है तो लहरें उतनी ही ऊपर जाती हैं. लीड्स टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी को क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. कई बार डिजास्टर आ जाते हैं ना, सुनामी आ जाती है, वो इन्हीं का कुछ पार्ट होता है. ये आपका रहा, देखिए यहाँ पे विंड ट्रिबुलेंस ये किस तरह से जनरेट हो रही है, यहाँ से इस तरह से जनरेट हो रही है. ये वेव हाइट है, ये यहाँ पे इनकी हाइट के बारे में बता दिया गया है. ये विंड डायरेक्शन है, विंड के फोर्स से वेव्स बनी है. वेव लेंथ, अब यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, और जहाँ पे फिर इसके बाद जो वेव्स है वो ब्रेक हो गई हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ज्योग्राफी इन द डेप्थ, यहाँ पे सुनामी के बारे में बता रखा है. द टर्म सुनामी, सुनामी का मतलब क्या होता है, इसमें टी साइलेंट रहता है बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. जो सुनामी में उसमें टी जो है साइलेंट रहता है. द सुनामी इज ड्राइव फ्रॉम द जैपनीज वर्ड, ये कौन सा वर्ड है, जैपनीज वर्ड है. एंड इस मीनिंग द हार्बियर्स एंड नामी, विच मीन्स द वेव्स, जिसका मतलब क्या होता है, हार्बियर्स वेव्स, बहुत ऊंची लहरें. द सुनामी रेफर्स इज द सीरीज ऑफ वेव कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर यूजुअली एट द ओशियन. जब बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है या ओशियन वाटर में कहीं सारा जो वॉल्यूम वाटर है वो कम होता है, यूजुअली इन ओशियंस, सिंस द इमिनेंस वॉल्यूम ऑफ वाटर हाई एनर्जी आर इन्वॉल्व. द सुनामी कॉज द लार्ज स्केल डिवेस्टेशंस इन द कोस्टल रीजन. ज़्यादातर जो सुनामी है जिससे जो डिस्ट्रक्शन होता है या डिज़ास्टर होता है वो किन एरिया में होता है, कोस्टल एरिया में. अ सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, अंडर वाटर एक्सपोशंस, लैंडस्लाइड्स, मेट्रॉइड्स एंड अदर डिस्टर्बेंस अबाउट द बिलो ऑफ द सर्फेस ऑफ द वाटर. यानी यहाँ देखिए कहीं सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इस तरह से बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, वो कई बार जो प्लेन एरिया है वहाँ पर क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं. उसमें इतनी फोर्स होती है कि जितने भी घर हैं या जो भी चीज़ें हैं वो उसमें रह जाती है. अ डायग्राम ऑफ हाउ द सुनामी वेव फॉर्म्स इवेंट एंड द अर्थक्वेक बीनीथ एंड ओशियन. यहाँ पर हमने बात की, यहाँ पे केस स्टडी के बारे में है, इसको आप सेल्फ रीड करेंगे एक बार. ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसी को हम कंप्लीट करेंगे. जो जापान सुनामी के बारे में हम बात करें, यहाँ पे देखिए, पहले हमने बात की किसके बारे में, सुनामी, केस स्टडी सुनामी आफ्टर द, इसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है. इसको आप अच्छे से रीड करेंगे, जापान में एक सुनामी आया था, उसकी कितनी हाइट्स थी, कितने लोग जो है इंजर्ड हुए, कितने लोग इसमें घायल हुए, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है. यानी हमने इसमें केस स्टडी किया है. इसके बाद आपका जो टॉपिक है, इट वॉज द टाइड. सबसे पहला कौन सा था, वेव्स, अब दूसरा है टाइड. फाइन स्टूडेंट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे. सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर. थ्री मूवमेंट्स होते हैं हमारे ओशियन में, पहला है वेव्स, टाइड्स एंड करंट. ठीक है, इसको याद रखना है. इसके पहले किया था हमने कि कितना परसेंटेज है फ्रेश वाटर का, सलाइन वाटर का, और उसमें हमने किया था टेम्परेचर के बारे में. सो लर्न ऑल दिस टॉपिक फाइन, एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर द हाइड्रोस्फीयर. हमने इसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.